इलेक्ट्रॉनिक सोशल जिहड़े भी प्लेटफॉर्म नूं तुसीं रिप्रेजेंट करदे हो बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा। तुसीं अज इस खास प्रोग्राम लई अपना टाइम कढ़िया, खास इसलिए है क्योंकि देश की सुरक्षा नाल जुड़िया होया। और जिस तरह गवर्नर साहब ने अपनी स्पीच दे विच भी दस्या कि देश की सुरक्षा लई कोई भी कुर्बानी करन नूं तैयार रहन वाला हा पंजाब, अज भी असी उस धरती का उस पत्तन का पानी पीने, उस धरती का अन्न खाने जिन्होंने गदरी बाबा तो लैके शहीद आजम भगत सिंह, लाला लाजपत राय, मदन लाल ढींगरा जी, करतार सिंह सराभा, शहीद ऊधम सिंह जी, हज़ारा योधे पैदा किए आज़ादी लैन लई। तो हुण आज़ादी नूं बचाउण लई भी साडे पिंडां दे विच तुहानूं कोई इहो जिहा पिंड नहीं मिलेगा जिथों का कोई जवान जिहड़ा कोई कारगिल, कोई पुंछ, कोई गंगानगर, कोई जस किसी ना किसी बॉर्डर ते शहीद ना होया। सो दुश्मन दी एक्टिविटियां जारी रहिंदियां ने, हुण वो एक्टिविटियां बदन दे चांस ज़्यादा इस करके ने क्योंकि उत्थे पोलीटिकल डिस्टरबेंस हो गई जी। उत्थे गवर्नमेंटां टुटदियां टहिंदियां रहिंदियां ने, उत्थे कदे डेमोक्रेसी आई नहीं। तां ध्यान भटकाउण लई जिहड़ी उत्थों दी जिहड़ी फोर्सेस ने जां उत्थों दी जिहड़ियां एजेंसियां ने वो इधर उधर इंडिया वाले पासे कुछ करदियां रहिंदियां ने। सो अज बड़ी वधिया मीटिंग हुई सारिया सेंट्रल एजेंसीज दे हैड्स नाल और नाल प्रशासन भी नाल, चलो पंच सरपंच भी आ गए, पब्लिक तां सब तो जरूरी है। सो मैं यही कहना कि पंजाब सरकार वल्लों कदे भी कोई फंड्स दे विच पंजाब पुलिस नूं अपग्रेड करन टेक्नोलॉजी वाइज कदे कोई कमी नहीं आऊगी। उन्होंने अपने ड्रोन अपग्रेड कर ले पर सानू उस उन्होंने ड्रोनों नूं लोकेट करन वाली जिहड़ी टेक्नोलॉजी उहदी जरूरत है। उहदे वास्ते भी मैं HM साहब नूं मिलूंगा, मैं 12 तरीक नूं होम मिनिस्टर साहब नूं, मैनूं राजपाल साहब ने हौसला दिता है कि तुसीं उत्थे जो रखोगे मैं उहदी प्रोड़ता करूँगा। और जमीन जिहड़ी है तार दे परले पासे बड़ी दिक्कत है उहदे किसानां नूं, 9 to 5 है, फिर फ्रिस्किंग च टाइम लग जांदा है, कई बारी टेंशन बढ़ जांदी है तां काम भी नहीं कर सकते, एक या दो बंदे ही जा सकते ने, लेबर की कमी रहिंदी है, वड्डियां फसलां नहीं बीज सकते, बहुत सारी दिक्कतां ने किसानां दे नाल और उन्हां दे यूनियनस नाल गलबात करके इहदा कोई पक्का हल कढ़िया जाऊगा तां कि इस नाले मिलटरी नूं भी बहुत ईजी हो जाऊगा क्योंकि उन्हां दा ज़्यादातर टाइम अपने सिटीजन की फ्रिस्किंग लई निकल जाता है। सो जे कोई इस तरह का हल हो जाए कि उन्होंने बहुत बड़े कंपनसेशन, नहीं हाँ हाँ ये बारे असं विचार कर रहे हैं। मैं लैट मी फिनिश मैं आप सवाल थी। सो कंपनसेशन इन्ने हाई होन कि उन्हों का पुराने घाटे पूरे पूरे हो जाए क्योंकि पहला 5000 कहते सी फिर 10000 करता सी, मिलिया कदे नहीं है। मैं पार्लीमेंट च मुद्दा उठाया सी गए ठीक है ना। सो बॉर्डर दे विच इंडस्ट्री आ जाए तो साडा बॉर्डर दा यूथ नूं काम मिल जूगा, बॉर्डर दे यूथ नूं मिलटरी जाण लई इनकरेज करिए, सैनिक स्कूल, ट्रेनिंग स्कूल और जिस तरह राजपाल साहब ने कहा। सो मैनूं इस गल की बहुत खुशी है, अजे महीना सानूं एक होया नहीं हैगा कि राजपाल साहब नाल जदों भी मिलते हैं तो एनर्जी मिलती है क्योंकि खुद यह इन्हों का एक्सपीरियंस है, MP रहे ने और डिफेंस कंसल्टेटिव कमेटी के मैंबर रहे ने, उस वेले जिस वेले अब्दुल कलाम जी होरी उन्होंने जिहड़ियां सिटिंग्स चलदियां होंदियां सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी दियां डिफेंस नाल रिलेटेड कोई जिहड़े बनाउणे सी वैपन। सो पंजाब सरकार वल्लों 100% जिहड़ा वो सहायता मिलेगी, कोई इहदे च भेदभाव नहीं होगा। और प्रशासन वल्लों जो चाहिए वह भी, पुलिस वल्लों चाहिए, DGP साहब बैठे ने वो भी मिल के चलांगे सारे, क्योंकि देश रहेगा तो सारे रहेंगे, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। और मैं यही बेनती करूँगा जिहड़े
नफरत फैलाउंदे ने उन्हां नूं यही कहूँगा कि लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। सारा मुल्क साडा इक है, तो वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, यंगेस्ट कंट्री ऑन द अर्थ। किसे पक्षों परमात्मा ने कोई कमी नहीं रखी, ना मौसम पक्षों, ना धरती पक्षों, ना लोगों की मेहनत पक्षों। सो असी कट्ठे चलीए तो बड़ी जल्दी जिहड़ा साडा देश जिहड़ा है वो वर्ल्ड पावर के तौर पर उभर के आऊगा। बहुत बहुत धन्यवाद। करेंगे करेंगे, बहुत कुछ करना। छे जिले ने, तो विशेष पैकेज कोई हो जाए जा कोई यूथ या इत्थे इंडस्ट्री आ जाए विशेष पैकेज नाल, मतलब साडा मकसद कोई लालच देना नहीं है। उन्होंने काम दे दो, जदों काम मिल गया वो इधर उधरलियां एक्टिविटियां तो बच रहे हैं।